अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी का नाम है नेकी का जादू। एक दिन एक छोटे से गांव में नानी औरत रहती थी जिन्हें आमिना कहते थे। आमिना बहुत इबादत गुजार और खुशखबरी की ख्वाहिश रखती थी। एक दिन वो अपने गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी जब अचानक एक नेक खुदी आदमी आए और ज़मीन पर पैसे की एक थैली रख दी। आमिना ने थैली खोली और देखा कि इसमें बहुत सारे तलास्मी जरगुजार मौजूद हैं। इसमें एक कागज़ का था जिस पर लिखा था कि इन तलास्मों को इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी मुकम्मल होता है। आमिना ने वो तलास्मी जरगुजार इस्तेमाल किया और अपनी दुआओं में मज़ीद खुशियाँ और नेक खुदियाँ मांगी, जिसके बाद वो तलास्मों को दोबारा थैली में रख कर उसी आदमी को वापस कर दी। आदमी ने आमिना का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये तलास्म आपके लिए है क्योंकि आपने उनका सही इस्तेमाल किया है। आमिना ने इस तलास्मों की मदद से खुद और अपने गांव की कम्युनिटी को खुशियों की बरसात बना दी। वो अम्बाल की भरमार और खुशियों का सफ़र करती रहीं और दूसरों की मदद करती रहीं। उनकी नेक नियति और इबादत का सफ़र उनके माशरत को नेकी से भर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेक नियति और खुदी की भरमार के लिए दुआओं का कुव्वत और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है और इससे दूसरों की मदद करना भी एक सवाब का काम है। इसी तरह की इस्लामिक स्टोरीज, अहदीस और बहुत सारी इस तरह के वाक़ात और बयान आपकी खिदमत में बिल्कुल लाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और उसके साथ साथ हमारी सारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली इस्लामिक स्टोरी कौन सी होनी चाहिए। तब तक देखिएगा।